हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? आज का ट्रिप होने वाला है स्पिरिचुअल, तो चलिए निकल पड़ते हैं, आइए हमारे साथ। शुरुआती में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज का ब्लॉग स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ राजस्थान में आने के बाद हम लोगों को पता चला कि खेतरी में स्थित रामकृष्ण मिशन के बारे में, फिर हम लोग डिसाइड कर लिए यहाँ पे एक बार आएंगे। तो आज वो दिन है जब हम लोग का ड्रीम विल कम ट्रू। ये प्लेस नीमका थाना से 35 to 30 किलोमीटर यानी लगभग 1 घंटे के दूरी में है, और जयपुर से आने के लिए 2 से 2.5 घंटा लगता है। आप सब कैसे हो? हम लोग तो बहुत अच्छे हैं और आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं खेतरी रामकृष्ण मिशन आफ्टर 25th सेलिब्रेशन। तो आज हम लोग निकल पड़े हैं। वेदर बहुत ख़राब है, क्लाउडी मौसम है और अभी तो बारिश शुरू हो गया है थोड़ा बहुत, तो अच्छा लग रहा है लेकिन पता नहीं रिटर्न करने के टाइम पे क्या होगा। एकदम अंधेरा जैसा हो गया है माहौल और बारिश भी शुरू हो गया है। अभी दोपहर के 2:30 बजे है तो अभी इतना अंधेरा हो गया है। दिखाती हूँ आप लोगों को, वहाँ पे दूर में आप लोगों को पहाड़ दिख रहा है क्या? वहाँ पे एकदम अंधेरा हो गया है, वेदर बहुत खराब हो चुका है। निकले हैं तो जाएंगे ही। इसका जियोग्राफिकल सिचुएशन है राजस्थान के झुंझुनू जिला। झुंझुनू ज़िले में खेतरी जो प्लेस है वहाँ पे ये रामकृष्ण मिशन लोकेटेड है। ये रामकृष्ण मिशन कोलकाता व पश्चिम बंगाल का जो बेलूर मठ है रामकृष्ण मिशन, उसका ही ब्रांच है। इसके पीछे जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। सन्यासी विवेकानंद परिव्राजक जीवन में सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे बिताए थे खेतरी में। ये बात हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं और हम लोगों को भी यही आके पता चला। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से शुरू होता है। जो खेतरी नरेश थे, खेतरी के महाराजा अजीत सिंह बहादुर थे, तो वो स्वामी जी का बहुत बड़ा भक्त थे और शिष्य भी थे और उनका फ्रेंड भी थे, सबसे अच्छा फ्रेंड थे। इन दोनों के फ्रेंडशिप के ऊपर, स्वामी विवेकानंद और महाराजा अजीत सिंह का फ्रेंडशिप के ऊपर बहुत सारा बुक्स भी लिखा गया है। जो लोग रिसर्च करते हैं वो लोग जानते ही है, और आप लोगों को अगर जानना है तो आप लोग सर्च कर लेना गूगल पे। तो यहाँ पे और एक बड़ा सा म्यूज़ियम बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो और ये भी देख सकते हो, क्योंकि ये हमारे देश का धरोहर है, तो ट्रेडिशन है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बारिश भी शुरू हो गया है, जितना नज़दीक जा रहे हैं हम लोग खेतरी के तो हम लोग को लग रहा है कि स्पिरिचुअल एक रास्ते पर आ गए हैं। देख पा रहे हो एकदम बाहर पर बारिश हो रही है, अंधेरा हो गया है। आप सभी को जान के आश्चर्य होगा कि स्वामी विवेकानंद जी का सर का साफ़ा, जो साफ़ा वो पहनते थे, वो महाराजा जी का ही दिया हुआ गिफ्ट है, जो पूरी ज़िंदगी वो संभाल के रखते थे। वैसे भी राजस्थान में जो टेम्परेचर है अभी दिन में 10-12 ऐसे डिग्री है और रात में तो 3-4 डिग्री हुआ जा रहा है, लेकिन ये जो अभी बारिश हो रहा है इसके बाद तो लग ही रहा है कि और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और ये भी सुनने में आया कि झुंझुनू ज़िले का टेम्परेचर हमेशा डाउन ही रहता है, मतलब ज़्यादा ठंडी पड़ती है यहाँ पे। गूगल मैप देखते हुए हम लोग का जर्नी जारी है। खेतरी में रामकृष्ण मिशन वाले जो एरिया है वहाँ का नाम दिया गया है स्वामी विवेकानंद नगरी। तो यहाँ पे यहाँ का गेट दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, एंट्री कर रहे हैं। यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल है, आर्टिफिशियल दुनिया से बहुत ही दूर में है लोग। अभी हम लोग भोपालगढ़ किला के पास से जा रहे हैं। ये किला अभी तो खंडहर बन चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है कि यहाँ पे रिनोवेशन हो रहा है। और ये किला का ही एक अलग पार्ट है रामकृष्ण मिशन को, जो दान कर दिया गया है, महाराजा अजीत सिंह जो दान कर दिए हैं।
भोपालगढ़ किले में से 40% या 50% एरिया रामकृष्ण मिशन के पास में है। अभी हम लोग आ गए रामकृष्ण मिशन में, यहाँ पे गेट दिख रहा है, फिर हम लोग गाड़ी पार्किंग करेंगे, उसके बाद जाएंगे अंदर। यहाँ पे पास में ही सरकारी बस स्टैंड है, तो यहाँ पे ही हम लोग गाड़ी पार्किंग करेंगे। जो लोग बस से आना चाहते हैं वो लोग बस का सुविधा भी यहाँ से उन लोगों को मिल जाएगा। बस स्टैंड वाले को रखो, ये बस स्टैंड है, हम थोड़ा किचन में तो आगे रखो। यहाँ पे जो अजीत विवेक म्यूज़ियम है वो देखने लायक था, बहुत अच्छा था, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज बंद है। और यहाँ पे आज माता शारदा देवी का जन्म तिथि भी है, जो विवेकानंद जी की गुरु माता भी थी, तो आज बहुत अच्छा प्रोग्राम भी हुआ है, सुबह बहुत बारिश हुआ है, तो इसलिए अभी यहाँ से शिफ्ट करके जो खाना खिलाते हैं रामकृष्ण मिशन के तरफ से लोगों को, तो वो अंदर चल रहा है, हम लोग वहाँ भी जाएंगे। हम आ गए हैं यहाँ पे भोपालगढ़ किला के 40% से 50% पार्ट है ये, तो आप देख पा रहे हो एक अलग से जो किला का जो लुक है वो यहाँ पे उभर के आ रहा है, जो स्थापत्य जो स्कल्पचर है वो देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मली जो बेलूर मठ का स्कल्पचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ग्रीनरी भी है, लाइब्रेरी भी है, तो आप लोग आओ यहाँ पे, एक्सप्लोर करो प्लेस को, और अपने आप जो यूथ है उनको भी जानना चाहिए, अपने जो देश के युवा पीढ़ी को। यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, तो हम लोग आए हैं लाइब्रेरी में। यहाँ पे खाना चल रहा है जो रामकृष्ण मिशन के तरफ से आम जनता के लिए फ्री है, तो प्रसाद है, भोग है, माँ शारदा देवी का और जो रामकृष्ण देव का, परमहंस देव का। और यहाँ पे सारे जो भी बुक्स है राम स्वामी जी के जीवन पे आधारित, चरित्र पे आधारित, उनके जो टीचिंग्स है, ये रामकृष्ण परमहंस देव है और उनकी वाइफ जो है माता शारदा देवी। बेसिकली स्वामी विवेकानंद जी वो एक मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे, उनका विश्वास था कि इच्छा शक्ति के ऊपर हम लोग को विजय पाना है। और जो महाराजा अजीत सिंह हैं वो उनका बहुत हेल्प किए हैं, जब स्वामी जी शिकागो टूर पे थे, हम सभी जानते हैं शिकागो में जो हिंदू धर्म के बारे में वो सबसे पहले बोले थे, भारतीय सनातन धर्म के बारे में, तो वहाँ पे जब उनका आर्थिक सिचुएशन ख़राब हुआ, जो भी उनको ज़रूरत था वो सिर्फ महाराजा अजीत सिंह को ही बोलते थे और उन्हीं से हेल्प मांगते थे, वो उनके भाई जैसे थे। और अभी हम लोग रामकृष्ण मिशन के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे प्रार्थना गृह है, जहाँ पे प्रार्थना होता है। यहाँ पे एलिवेटर भी है लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के वजह से अभी बंद है, तो फोर्थ फ्लोर पे है मंदिर, जो टेंपल है प्रार्थना करने का जगह, तो वहाँ पे आइए चलते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरह से जो बारिश का पानी है वो संरक्षण किया जा रहा है बाद में यूज़ करने के लिए। ओहो, नज़ारा देख के तो एकदम जीवन सार्थक हो गया। अब पता चला कि स्वामी विवेकानंद यहाँ पे क्यों आते थे, मतलब यहाँ पे आने के बाद लिटरली जाने का मन ही नहीं कर रहा है, मतलब लग रहा है कि यहाँ पे घंटों तक बैठी रहूँ, लेकिन टाइम उतना है नहीं, हम लोगों को फिर देख के रिटर्न भी करना है। जो हिस्ट्री है उनसे पता चला कि स्वामी विवेकानंद कुल यहाँ पे 3 से 4 बार आ चुके हैं, शिकागो जाने से पहले आए हैं और शिकागो जाने के बाद भी आए हैं। और ये जो बाकी हिस्सा देख रहे हैं ये भी भोपालगढ़ फोर्ट का ही हिस्सा है, लेकिन वो रामकृष्ण मिशन के अंडर में नहीं है, तो इसलिए उसका देखभाल नहीं हो रहा है। जो वो पोर्शन 40% से 50% रामकृष्ण मिशन के अंडर में है वही अब देखभाल हुआ है, अब ये रामकृष्ण मिशन में रूपांतरित हुआ है। मिशन के अंडर में एक स्कूल भी है, तो ये जगह के कमी होने के कारण से छोटा सा स्कूल है, अभी प्राइमरी क्लास 8 तक है शायद, और इसके बाद फ्री हेल्थ चेकअप्स, आई चेकअप्स,
और होम्योपैथी दवाई का बंदोबस्त किया जाता है यहाँ पे, आई सर्जरीज होता है, ठीक है, तो बहुत कुछ होता है यहाँ पे। आइए आप लोग, तो आप लोगों को भी पता चलेगा क्या क्या होता है। स्वामी विवेकानंद जी का जो मेन मोटो था, जीव सेवा करना ही शिव का सेवा करना है। जो एक ईश्वर थे वो उन्हीं को मानते थे, मतलब जीवों का सेवा करने से ही हम लोग को शिव मिल सकता है। ये है ध्यान कक्ष, यहाँ पे सबका अलाउंस नहीं है, सब अलाउड नहीं है यहाँ पे, जो लोग यहाँ के शिष्य हैं वही अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे जो ध्यान कक्ष है, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद खुद बैठ के ध्यान करते थे। ये है प्रार्थना गृह, जो यहाँ पे प्रार्थना होता है। आइए, लेकिन हम लोग लेट है, सुबह का प्रार्थना ज्वाइन नहीं कर पाए और शाम का भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग फिर एक घंटा जाना है भी है, वेदर भी ख़राब है। तो आइए सिर्फ प्रार्थना गृह एक बार देख लेते हैं। और इसका टेंपल ओपनिंग आवर्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो जूता खोल के जाना है। यहाँ पे बेलूर मठ जैसा ही सुबह शाम प्रेयर होता है। और रामकृष्ण देव जो उनके गुरुदेव थे, और माता शारदा देवी जो उनकी गुरु माता थी, उनके साथ उनका भी याद किया जाता है, उनको भी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।